मेरी एक फ्रेंड है, वो फ्रेंड तो नहीं खैर जानने वाली है, वो यूट्यूब पे वीडियो बनाती है। पहले तो फैशन पे बनाती थी, अब उसने देखा कि मजहबी तड़का ज्यादा बिकता है तो उसने मजहब पे बनाने शुरू कर दी। तो उसकी वीडियो मैंने देखी, वो ना मुफ्ती एक किसी स्कॉलर हैं जो अमेरिकन बोलते हैं, अमेरिकन स्कॉलर हैं, इस्लामिक स्कॉलर, तो उनकी वीडियो पे वो उस पर उसने अपनी यूट्यूब की वीडियो बनाई। उनको कह रही थी कि कितने मिसोजिनिस्ट हैं। अब उन स्कॉलर से किसी मुसलमान खातून ने ये कहा कि मेरे शोहर जो हैं वो दूसरी औरतों को सेक्सटिंग करते हैं, तो क्या ये अलाउड है, तो ये क्या ये गलत है? तो स्कॉलर उसको कहते हैं हाँ है तो गलत, उसको नहीं ऐसा करना चाहिए, लेकिन यू मस्ट नॉट बी सेटिस्फाइंग हिम, तभी वो कर रहा है इस तरह। तो मतलब विक्टिम ब्लेमिंग कर दी। तो उस पर वो लड़की वीडियो बना रही है कि देखो कितना मिसोजिनिस्ट है। मैंने कहा इसको ये नहीं पता कि पूरे इस्लाम में ही मिसोजिनी है। यू आर नॉट गोइंग टू द रूट ऑफ द प्रॉब्लम। रूट ऑफ द प्रॉब्लम में जब मिसोजिनी है तो तभी आपको नजर आएगा ये जाकिर नाइक मिसोजिनिस्ट है, जो तकी उस्मानी मिसोजिनिस्ट है, तारिक जमील मिसोजिनिस्ट है। अगर सारे ही मुल्ला वन टू ऑल, तारिक मसूद मिसोजिनिस्ट है, वन टू ऑल अगर हर मुल्ला मिसोजिनिस्ट ही निकल रहा है, won't you go to the root of the problem कि ये मिसोजिनी असल में इसकी रूट क्या है? वो मजहबी लिटरेचर है, kindly go and read your literature। तो अगर आप इस तरह की वीडियो बना के एक इंडिविजुअल मुल्ला को क्रिटिसाइज कर रही हैं, लेकिन आप जाके ये देखना नहीं चाहती क्योंकि इससे आपके बिलीफ सिस्टम हर्ट हो जाएगा कि असल प्रॉब्लम कहीं लिटरेचर में तो नहीं है। ये वही बात है कि किसी को फीवर हो रहा है और आप उसको एस्प्रिन टायलेनॉल दिए जा रहे हैं कि फीवर ठीक हो जाएगा, अब जाके ये देख नहीं रहे कि बॉडी के एक हिस्से में कैंसर है जिसकी वजह से फीवर हो रहा है। वोंट यू गो एंड क्योर द कैंसर?